गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू चैप्टर नंबर सेकंड इज अ 45। द पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज डैश एज शोन इन फिगर। फर्स्ट कैपेसिटर C1, सेकंड कैपेसिटर C2, ए एंड बी, V1 एंड V2। This point is D, okay? तो D point की potential calculate करके देनी है। D point की potential, suppose हम मान लें कि potential at point D is a V, potential at point D is a V, तो सबसे पहले ये दोनों के बीच की difference जो आएगी, ये दोनों के बीच की difference, वो potential difference of first capacitor, इसका मतलब V1 minus V is equal to Q/C1. ये फॉर्मूला पता चलनी चाहिए, क्लियर? ये फॉर्मूला पता चलनी चाहिए कि V1 माइनस V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1 एंड V माइनस V2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C2। अब देखो V इज इक्वल टू Q/C बिकॉज C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, सो डिफरेंस बिटवीन दैम, ओके यहाँ हमने V कंसिडर किया, सो V1 माइनस V इज इक्वल टू Q/C1, V माइनस V2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C2, क्लियर? सो नाउ अब इसमें कर क्या सकते हैं, रेशियो फाइंड करेंगे कि V1 माइनस V2 तो क्या लिख सकते हैं, C2/C1, ये दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे, क्या होगा C2/C1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V1C1 माइनस VC1 इज इक्वल टू VC2 माइनस V2C2। माइनस क्या होगा V2C2। काम क्या करना है कि हमको V की फॉर्मूला बनानी है, ओके? और V की फॉर्मूला बनानी, इसका मतलब इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर आएगा, ओके? V1C1 प्लस V2C2 इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू, चलो पहले ये V मैंने कॉमन निकाल दिया, V1C1 प्लस V2C2 एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू V1C1 V2C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इसकी पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी, क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। नाउ 46, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर आर जॉइन इन अ पैरेलल एंड आर चार्ज विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर जॉइन इन पैरेलल and charged with a battery of 10 volt. Now the battery is removed and they are joined in a series with each other. In the condition, what would be the potential difference between the free plates in this combination? ये तो ऐसी बात हुई कि suppose आपने पहले भी हमने ऐसे MCQ solve की है, वहाँ 6 लिख के दिया था, ये 10 वोल्ट, ओके? तो इसकी पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल है, इसकी भी पोटेंशियल 10 होगी क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट, सपोज C1 C2 एंड C3, लेकिन आइडेंटिकल है, तीनों की वैल्यूएशन क्या है, इक्वल, लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरह से रहेगा। तो ये फ्री एंड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, तो इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट, तो ये भी 10 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 से लिखेंगे तो आंसर इज 30 वोल्ट, ओके? ये ए ऑप्शन में आता है, हाँ ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 47। ऑन इच वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इच साइड इज इक्वल टू द लेंथ ए, लेंथ कितनी दी ए, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आर देयर, सो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इज, सबके लिए साइड ए लिख के दी। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू
पोटेंशियल एट सेंटर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये ए होगा, क्लियर, तो ये भी ए होगा, तो ये साइड मिलेगी, इसको हाफ करने से आंसर हो जाएगा। ओके सो नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। ओके सपोज ए बी सी डी भी लिख दे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड देयर फॉर ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए, टू ए स्क्वायर होगा रूट टू ए। लेकिन जब सेंटर कैलकुलेट करना है तो लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, बिकॉज ये जो है उसको हाफ करेंगे मतलब रूट टू ए डिवाइड बाई टू, सो क्या हो जाएगा ए रूट टू। तो इसको और भी आगे लिख सकते हैं ओ बी और ओ डी वही होगा, मतलब सबकी लेंथ सेंटर से इक्वल होगी। ओके नाउ पोटेंशियल एट सेंटर, फर्स्ट के लिए के क्यू अपन, ये फर्स्ट के लिए के क्यू अपन ये डिस्टेंस कितना होगा ए बाई रूट टू, सेकेंड के लिए के क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू, थर्ड के लिए सो माइनस के क्यू ए बाई रूट टू एंड फोर्थ के लिए सो माइनस के क्यू ए बाय रूट टू। नाउ द पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो, तो उन लोगों ने ये ऑप्शन दिया है डी में, ये ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके नाउ 48 जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामिनेशंस में है। 27 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग ए सेम चार्ज सेम रेडियस आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ वन बिग ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ वन बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप इज, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ बिग अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, वो रेशियो हमको कंप्लीट करके देना है, क्लियर। लेकिन ये कैसे करेंगे, स्फेरिकल के लिए तो फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन रेडियस। ओके सबसे पहले नाउ वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कितने बताए, 27 ड्रॉप की वॉल्यूम, स्मॉल जो ड्रॉप है स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम ऐसे कितने 27, जब मर्ज होते तब बिग बनता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बिग के लिए लिख रहा हूँ 27 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल के लिए लिख रहा हूँ 4/3 पर कैंसल, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल इंटू 3 इंटू स्मॉल आर। सो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ बिग अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, ओके तो बिग की रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल की रेडियस स्मॉल आर, लेकिन बिग की रेडियस 3R upon R and therefore CB is to CS is equal to 3:1 और ये ऑप्शन उसने सेकेंड में दिया है। नाउ 49 टू प्लेट्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज अ 20 वोल्ट, चलो डी दिया 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, पोटेंशियल दिया 20 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ओके वी इज इक्वल टू ई इन टू डी एंड देयरफॉर ई इज इक्वल टू वी अपॉन, सो 20 डिवाइड बाई 0.1 200 वोल्ट अपॉन मीटर या 200 न्यूटन बाई कूलम, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके देन सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ 50 हाफ पाथ कंप्लीट हो जाएगा, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 कूलम द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 21%,
व्हाट विल बी द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके चलो, सबसे पहले तो सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है क्यू, सो एनर्जी यू इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू क्यों लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू से लिख दे, एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन टू से। अब चार्ज प्लस क्यू जितना क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एनर्जी उसने क्या लिख के दी, 21% इंक्रीज होती है। ओके नाउ क्यू प्लस फाइव, चार्ज कितना इंक्रीज हुआ, सो यू डैश इज इक्वल टू यू प्लस 21% यू, इसका मतलब 1.21 यू क्यू, परसेंटेज नहीं लिखा तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 1.21 यू। ओके क्लियर, सो नाउ यू डैश इज इक्वल टू ये लिखा है, सॉरी यू डैश इज इक्वल 1.21, तो दोनों की फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू प्लस फाइव स्क्वायर अपॉन टू सी, इसके लिए लिखा सेकेंड के लिए 1.21 u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, कितना कैंसिल होगा, इसकी फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे, क्यू प्लस फाइव होल स्क्वायर 1.21 क्यू स्क्वायर, चलो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया तो क्यू प्लस फाइव इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.1 क्यू, 1.1 क्यू, एंड देयरफॉर ये क्यू उधर जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 1.1 क्यू माइनस क्यू, एंड फाइव इज इक्वल टू 0.1 क्यू, एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 50 कूलम, q is equal to 50 coulomb, c option is a right answer, clear, so now 51, the dielectric strength of air is nearly, देखो ये question तो dielectric के वक्त भी बता था, dielectric strength of air nearly, तो लिखा था 3000 वोल्ट अपन मिलीमीटर, 3000 वोल्ट अपन मिलीमीटर या 3 × 10⁶ वोल्ट अपन मीटर, 3000 वोल्ट अपन मीटर करना है तो 10⁻³, सो 3 × 10⁶ फॉर एयर। ओके तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसमें, ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। 52 सर, कूलम स्क्वायर मीटर न्यूटन रेस टू माइनस वन इज द यूनिट ऑफ, अब फर्स्ट ऑप्शन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सेकंड डायपोल मोमेंट, बाद में लिखी उन लोगों ने कि पोलारिसिबिलिटी मतलब पोलारिटी की एबिलिटी जो होती है ना इसको पोलारिसिबिलिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको पोलराइजेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, पोलराइजेशन कांस्टेंट। ओके इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, कूलम स्क्वायर मीटर इनटू न्यूटन। ओके तो इसमें आप सी ऑप्शन राइट लिखेंगे, ओके इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन करके भी लिख सकते हैं, ये वर्ड थोड़ा चेंज किया लेकिन इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन से भी चलेगा। So now 53, a point P is 25 meter away from the 1 micro coulomb and 100 meter away from 4 micro coulomb, the electric potential at P, okay diagram bana de, 4 micro coulomb, 1 micro coulomb, 1 micro coulomb se, okay matlab P yahan hoga 25 मीटर, यहां से 100 मीटर, तो ये कितना होगा,
75 मीटर। ओके क्या लिखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी पी इज इक्वल टू के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू। ओके ये कॉमन निकालेंगे, क्यू वन आर वन प्लस क्यू टू आर टू। ओके तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी पी जीरो नाइन इंटू टेन प्लस टू नाइन, किसकी वैल्यू के की, क्यू वन फोर इंटू टेन प्लस टू माइनस सिक्स, लेकिन यहाँ से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, हंड्रेड मीटर। ओके बाद में क्या करेंगे, प्लस वन माइक्रो और 25 है। ओके अब चेक करो कि 9 इंटू 10 प्लस टू 9 ये कैंसिल करेंगे तो 1 बाय 25, 10 प्लस टू माइनस सिक्स बाहर लो, 1 बाय 25, 10 बाय 25। ओके 1 बाय 25 और 10 बाय 20, अरे सॉरी ये भी 1 बाय होगा ना क्योंकि माइनस सिक्स तो हमने बाहर लिया। ओके सो नाउ वी पी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 प्लस टू 3 टू बाय 25। सो नाउ टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 18 डिवाइड बाय तो 0.72 10 प्लस टू 3, 10 प्लस टू 3 लिखना है तो 720 वोल्ट, और 720 वोल्ट मतलब डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके 1054 टू गेट टू फेराडे कैपेसिटेंस द एरिया ऑफ इच प्लेट कैप्ड एट सेपरेशन ऑफ टू मिलीमीटर। ओके देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, ये दिया टू फेराडे नॉट माइक्रोवाइक, टू फेराडे ओनली। ओके एप्सिलॉन जीरो 8.85 10 प्लस टू माइनस 12, एरिया कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस दिया टू मिलीमीटर मतलब टू। सो नाउ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस टू माइनस 3 सामने जाएगा, 8.85 10 प्लस टू माइनस 12। ओके जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से 0.45 इंटू 10 प्लस टू 9 ये ऊपर गया तो इसको 4.5 10 प्लस टू 8 मीटर स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, क्लियर। इसमें डी ऑप्शन आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। तो ये था 54, नाउ 55, 55 इजी है क्योंकि वो सर्किट की सिंप्लीफिकेशन ही है, ए पॉइंट दिया। ओके यहाँ कैपेसिटर है, एक सेंटर में भी है, और बी पॉइंट यहाँ है। इन गिवन सर्किट द कैपेसिटेंस ऑफ इच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफेराडे, सभी 1 माइक्रोफेराडे है। ओके सभी की वैल्यू क्या थी, 1 माइक्रोफेराडे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल सर्किट ड्रा कर दे, इसकी सिंपल सर्किट कुछ ऐसे होगा। ये वाला कैपेसिटर आ गया, इसको ऊपर ले जाओ तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज,
ये क्या हो गया सेंटर में, और ये क्या हो गया बी, सबके लिए 1 माइक्रो फेरेडे। तो इनिशियली क्या करेंगे, पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करें। ओके, जब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, दोनों किसमें है सीरीज के अंदर, नंबर इन दे दे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1 सॉरी C2 एंड C3 एंड C5 एंड C6। आर इन सीरीज। सो नाउ रिजल्ट, रिजल्टेंट सी डैश इज इक्वल टू, चलो इक्वल मैग्नेट के दो कैपेसिटर, इसका मतलब सी बाय एन 1/2.5 माइक्रोफेरेडे। तो रिमेनिंग सर्किट क्या बचेगी, मतलब ये 0.5 हुआ, ये 0.5 है, ये 1, और ये भी क्या रहेगा 1 होगा। क्लियर? तो पहले तीनों को लेंगे, लिखेंगे, तीनों किसमें होंगे पैरेलल के अंदर, 0.5 1 एंड 0.5 इन पैरेलल, एंड देयरफॉर सी डबल डैश, तो ऐड कर दो 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5 क्या बचेगा 2 माइक्रो फेरेडे। अब तो ए और बी, ये क्या है 1, क्या लिखेंगे 2। ओके, सो 1 एंड 2 आर इन सीरीज, फाइनली यहां लिख रहा हूं, सो 1/C इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.2, एंड देयर फॉर 1/C इज इक्वल 1 प्लस, ओके ये तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखना था ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, 3/2, एंड देयर फॉर सी इज इक्वल टू 2/3 माइक्रो फेरेडे। ओके, और इसकी ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन इज अ राइट, ये 55 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी, बाई कीपिंग द मीडियम ऑफ द डायरेक्ट कॉन्स्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स, अरे यार इससे इजी तो कुछ नहीं होगा। इनिशियली सी, सपोज के बीच प्लेट के बीच में आपने डायलैक्ट्रिक रखा जिसकी डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू के है, सो सी डैश इक्वल टू के इन टू सी, डी ऑप्शन इज अ राइट। 56 कंप्लीट। नाउ 57, नाउ 57 डायमेंस्टर फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंस्टर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म यूनिट जूल अपन कूलम, जिसको हम वोल्ट लिखते हैं। अब जूल के लिए M1 L2 T-2 और ये होता है T1 A1, सो M1 L2 T-3 एंड A-1, पहली फॉर्मूला इस तरह से बनती है। ओके, यही आंसर है, और टेम्पलेट के हिसाब से भी आंसर राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्यों लेंगे, तो उसके इस तरह से भी लिखेंगे M1 L2 T-2 Q^1, T1 A1 नहीं, आप Q^1 लिखेंगे, तो मिलेगा M1 L2 T-2 Q-1। तो इस तरह के भी ऑप्शन पॉसिबल है। ओके, नाउ 58। अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, सही गलत बताते जा रहा है। 58 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मिनिमम व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सेकेंड ऑप्शन द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, थर्ड द डायपोल इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड, एंड फोर्थ द डायपोल मोमेंट मेक 60 डिग्री विद द फील्ड। पहले तो एनर्जी की फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इसका मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, एनर्जी क्या पूछा, मिनिमम, जब एनर्जी मिनिमम है तो थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी मिनिमम होना मतलब बी ऑप्शन इज अ राइट, कि बी ऑप्शन में लिखा है द डायपोल मोमेंट ऑफ
सॉरी द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, डायपोल इज अ पैरेलल टू द फील्ड, क्लियर। ते 58 कंप्लीट। ओके नाउ 59, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। सो 59 इज द टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ अ चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, फर्स्ट ऑप्शन इक्वल ऑन द सरफेस ऑफ बोथ स्फीयर, सेकेंड मोर ऑन द सरफेस ऑफ अ लार्जर स्फीयर, थर्ड ऑप्शन मोर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर, एंड फोर्थ ऑप्शन डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ स्फीयर। लेकिन पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होती है ना, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब उसने बताया क्यू तो कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए सेम, तो इसका मतलब के क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, और v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r हुआ तो इसका मतलब ऐसा होगा कि मोर ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, और ऑन सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, सी ऑप्शन इज अ राइट, क्लियर। नाउ नंबर 60, नाउ 60, फाइव आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट पैरेलल टू इच अदर at an equal separation if the capacitance between two consecutive plates is a C, so what is the total capacitance of arrangement? Panch plate batai, is tarah se connect hai, first second third fourth and fifth, to char capacitor banenge C1 C2 C3 and C4। ab dekho plate ki area equal hai, separation equal hai, iska matlab C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू क्या लिखेंगे C, ओके। नाउ C1 C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू C/4, जो कैपेसिटेंस है डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 4, तो ये होगा ई ऑप्शन इज अ राइट आंसर, यही लिखा है C/4, सो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। Now 61, what is the dimensional formula of polar reversibility? फिर से वही हुआ, मतलब वो अल्फा की वैल्यू आपको कंप्लीट करके देनी है। अभी आपने यूनिट लिखी थी, अल्फा की यूनिट क्या थी, कूलम्ब स्क्वायर मीटर इंटू न्यूटन रेस टू -1, तो इसकी डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट करनी है। लेकिन यहाँ लिखा है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या लिखेंगे क्यू, तो इसका मतलब पहले कूलम्ब स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन, कूलम स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, मीटर L^2 1, न्यूटन मतलब फोर्स की फॉर्मूला M1 L1 T-2, सो गेट डायमेंशन फॉर्मूला M-1, L^0, T^2 एंड Q^2, दिस आंसर से ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्वेश्चन था 61, ये था क्वेश्चन नंबर 61। ओके नाउ 62, 62 द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये डायलैक्टिक मीडियम, द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस मतलब डायलैक्टिक मीडियम, फर्स्ट ऑप्शन इज डिपेंड ऑन द बोथ टाइप डायलैक्टिक मीडियम एंड टेम्परेचर, बाद में सेकेंड ऑप्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, थर्ड depend only on type of a dielectric medium, and fourth does not depend on type of dielectric medium and temperature। okay ye to directly pucha tha, electric susceptibility depend on temperature and type of material, okay iska matlab isme first statement right tha, depend on the both type of dielectric medium and temperature, to 62 ki answer, 62 ki answer a। now 63, टू कैपेसिटर ऑफ 1 microfarad आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ बैटरी ऑफ 100 volt, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। पहले तो दो और पैरेलल में होगा, तो रिजल्टेंट सी डैश इज इक्वल टू 2C, सो 2 × 1 मतलब 2 microfarad इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, सो एनर्जी स्टोर्ड, सो 1/2 C' स्क्वायर,
वन बाई टू सी वी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछा है. ओके सो नाउ वन बाई टू सी डैश पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट. ओके पहले 2 माइक्रोफेरेड है, सो 10^-6 100 वोल्ट स्क्वायर, 2 कैंसल, 10^-6 एंड 10^-2 आंसर 10^-4 जूल. ओके 10^-4 जूल सही, ये 4 रखेंगे तो 10^-2 जूल इज द राइट आंसर. और इससे ऑप्शन होता है ए. ये क्वेश्चन कौन सा था? 63 नंबर. ओके नाउ 64. ये 64 गलती से रिपीट हो गया है. 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस स्क्वायर प्लस ऑन वर्टेसिस ऑफ अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्मॉल ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. वो तो हमने अभी कंप्लीट किया था. आंसर क्या रहा है? 0. ओके डी ऑप्शन इज अ राइट. आगे इस तरह की आज फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 65. ओके एक चीज़ और, 64 को चेंज करेंगे. चलो 64 में क्या पूछा, 65 बाद में. ये ए लिखा था सेंटर पे पोटेंशियल, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू. सेंटर पे पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो भी आंसर 0, और पोटेंशियल पूछे तो भी आंसर क्या लिखना है? 0. क्लियर? अब 65. Which of the following graph represent the variation in the electric potential with distance starting from center of uniformly charged spherical cell of radius r? Okay, इसमें चार different graph plot करके दिए. Small r, v. First graph ऐसा है. सेकेंड में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ग्राफ जल्दी कव ऐसे हो जाता है. थर्ड ऐसे तो ये दोनों ग्राफ इक्वल जैसे दिखते हैं. सही ऑप्शन तो ये वाला है, ये भी सही दिखता है. उनको क्या करना चाहिए था? यहाँ इस टाइप का ग्राफ देना चाहिए था, तो अपने आप ही सही होता. अभी जो पैम्पलेट में है, दो ऑप्शन डाउटफुल है. कौन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड. ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के अंदर एक चीज़ और भी हो सकती थी. सपोज आपने इसको ऐसे रखा तो ये जो है ना वो डॉटेड लाइन रखनी थी, क्योंकि सेंटर से जैसे जैसे आप बाहर सेंटर से बाहर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट. कितना? जितना सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल सेंटर से बाहर तक होता है, और बाद में जैसे आप बाहर जाएंगे, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, जितना आप दूर जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. क्लियर? तो ये ग्राफ सही है. हो सके तो आप क्या करेंगे, यही रखेंगे लेकिन ये इसको डॉटेड बना देना. ऑप्शन के अंदर इस लाइन को डॉटेड लिख देना और स्ट्रेट लाइन लिख देना, मतलब सही हो जाएगा और वो गलत. नाउ 66 नंबर. एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड बोथ आर नॉन ज़ीरो, और बाद में लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नॉन ज़ीरो बट फील्ड इज़ 0. अभी बताया सेंटर से बाहर आएंगे तब तक वो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा, लेकिन स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड 0 होती है अकॉर्डिंग टू गॉस इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 3. ओके तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा. इसमें डी ऑप्शन राइट. Now 68.
सॉरी 67 इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड, सेकेंड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव बट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव बट ग्रेविटेशन इज नॉट कंजर्वेटिव, एंड फोर्थ नॉन इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट, बोथ आर द कंजर्वेटिव फील्ड। नाउ 68 इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, नॉन इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। सीबी लिखा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटीज क्वांटिटी, और फोर्थ में लिखा ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सी ऑप्शन राइट, क्योंकि ये वेक्टर होता है और ये स्केलर, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ 69 आउट ऑफ एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ऑल पॉइंट्स, आउट ऑफ एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर ऑल पॉइंट्स, नंबर वन ऑन द एक्सिस वी इक्वल टू जीरो एंड ऑन द इक्वेटर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड पॉइंट ऑन बोथ देन वी इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑन बोथ देन वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड लास्ट ऑन द एक्सिस वी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ऑन इक्वेटर वी इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला से हो जाएगा v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटर के लिए 90 तो इक्वेटर पे जीरो, और बाकी किसी भी एंगल पे v इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके सो डी ऑप्शन इज अ राइट, डी ऑप्शन राइट, ऑन एक्सिस v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑन इक्वेटर v इक्वल टू जीरो, क्लियर। नाउ 70 नंबर, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज होगी। इसमें लिखा है नंबर ए डिक्रीज, नंबर बी इंक्रीज, सी रिमेन कॉन्स्टेंट, डी में डिक्रीज और इंक्रीज। तो पॉजिटिव चार्ज आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ले जाएंगे तो वर्क रिक्वायर्ड बी डन, ओके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टोर्ड, मतलब ये वर्क क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोअर से अब हायर पे जा रहे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ओके और चार्ज भी कौन सा है पोटेंशियल, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, लोअर से हायर पोटेंशियल, मतलब ये भी इंक्रीज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो ये कितने क्वेश्चन हुए 70, ये कितने क्वेश्चन हुए 70, क्लियर। तो आज जो हमने कंप्लीट किए वो क्वेश्चन भी एक बार कंप्लीट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डाउट हो तो आप सॉल्व करके पूछेंगे।